और क्या देगा तू अपनी बेटी को? एक जग दो चार सूट। लोग अपनी बेटियों को करोड़ों का सामान देते हैं ताकि उनको ससुराल में जाके कोई परेशानी ना हो। तू चल अगर जहेज ज्यादा नहीं दे सकता तो कम से कम 5 लाख रुपए तो दे दे। 5 लाख मगर किस लिए? आपको तो मेरे हालात का पता है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा दें, लेकिन मैं 5 लाख का वादा नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, हम रुख्सती ही नहीं लेंगे बल्कि रिश्ता ही तोड़ देंगे। सादिक, अगर तेरी बेटी का रिश्ता टूट गया ना तो सारी उम्र वो घर बैठी रहेगी। देखें, ऐसा जुल्म ना करें हमारे साथ। आप रिश्तेदार होकर ऐसा कर रहे हैं, कोई गैर भी ऐसा नहीं करता। अब्बा जी, ये क्या डिमांड रख दिया आपने इनके सामने? और चुप कर तू, मैं तेरा बाप हूँ, जो कर रहा हूँ तेरे फायदे के लिए कर रहा हूँ। और साजिद, तू अभी तक बैठा है? जो मैंने तुझे फैसला सुना दिया है ना, जाके पैसों का बंदोबस्त कर, वरना मेरी तरफ से इनकार है। ठीक है जी। अब्बा जी, ये आपने बहुत गलत किया। हमें किस चीज की कमी है? जरीना के साथ मेरा निकाह हुआ, कोई मंगनी नहीं जो तोड़ दूं। बाप के सामने जुबान चला रहा है बेहया? अगर तूने अब एक भी लफ्ज बोला ना तो तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे बता रहा है कि निकाह हुआ है मेरा। आ गए अब्बा, क्या कहा चचा रशीद ने जो आप इस कदर परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं कहा उन्होंने, वो तो रुख्सती की तारीफ मांग रहे थे। वो पैदल गया था ना, इसलिए जरा थकावट महसूस हो रही है। अब्बा, आप सच कह रहे हैं ना? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे? सच सच बताएं। सच ही तो बताया, बार बार क्यों पूछ रही हो? और हाँ, माँ कहाँ है तुम्हारी? अम्मा तो गई है एक बाल दर्जी के घर अफसोस करने। सुना है किसी ने उसे अगवा कर लिया और गुर्दा निकाल लिया। उसकी बीवी बहुत परेशान है। हैं? अगवा कर लिया और गुर्दा निकाल लिया, अब वो क्या करेंगे? मैंने सुना है कि गुर्दा निकाल के 5-7 लाख का बेच देते हैं। पैसे के लिए किसी की भी जान खतरे में डाल देते हैं। दुनिया बड़ी जालिम हो गई, यहाँ कोई किसी का एहसास तक नहीं करता। खैर, तुम मुझे पानी पिलाओ, मैंने काम जाना है। मैंने सुना है कि गुर्दा निकाल के 5-7 लाख का बेच देते हैं। पैसे के लिए किसी की भी जान खतरे में डाल देते हैं। और क्या देगा तू अपनी बेटी को? तू चल अगर जहेज ज्यादा नहीं दे सकता तो कम से कम 5 लाख रुपए तो दे दे। सादिक, अगर तेरी बेटी का रिश्ता टूट गया ना तो सारी उम्र वो घर बैठी रहेगी। जो मैंने तुझे फैसला सुना दिया है ना, जाके पैसों का बंदोबस्त कर, वरना मेरी तरफ से इनकार है। भाईजान, बात सुने जरा, यहाँ पर डॉक्टर साहब किस कमरे में बैठे हैं, मैंने उनसे मिलना है। क्या मसला है तुम्हें? फिर उसी हिसाब से बताऊंगा। पहले डॉक्टर साहब की फीस भरनी होगी, उसके बाद चेकअप करेंगे। भाईजान, मेरा कोई मसला नहीं है, मैंने सिर्फ गुर्दा बेचने की बात करनी है। वो दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? ये काम इलीगल है, ये काम यहाँ पे नहीं होता। रुक जरा, मैं पुलिस को बुलाता हूँ अभी। ओ भाईजान, पुलिस को ना बुलाए, मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ, मैंने बेटी की शादी करनी है इसलिए गुर्दा बेचना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ ये काम नहीं होता, माजरत भाईजान। तू गरीब आदमी है इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा। तेरे लिए बेहतर है यहाँ से जल्दी से चला जा, वरना अगर डॉक्टर साहब को पता चल गया ना, तेरे साथ बहुत बुरा होगा। सादिक अंकल, खैर तो है? इधर अस्पताल में कोई बीमार है क्या? कोई बीमार नहीं है, मैं तो यहाँ मजबूर होकर गुर्दा बेचने आया था। लड़के के बाप ने 5 लाख रुपए मांग लिए रुख्सती से पहले, निकाह तो मैंने पहले ही करवा दिया था। ओहो, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन इस बात का हल है, अब वहाँ से रिश्ता तोड़ दें, क्योंकि आपकी बेटी ऐसे लालची लोगों के घर खुश नहीं रह सकेगी। ऐसे कैसे खत्म कर दूं? हमारे खानदान की रिवायत के मुताबिक तलाकशुदा लड़की हमेशा माँ बाप के घर बैठी रहती है, फिर उसे कोई रिश्ता नहीं देता। गोली मारे खानदान को, खानदान से बाहर कर लें, अपनी बेटी के मुस्तकबिल को देखें। और वैसे भी आज के दौर में पैसों के मामले में कोई भी मदद नहीं करता, मेरी बात मान लें। हेलो, क्या हुआ सादिक, क्यों किया है फोन? मुझे लगता है तुझे अकल आ गई है, निकाल लिया अपनी तिजोरी से पैसे। अकल तो मुझे आ गई है, इसीलिए सोच समझ के फोन कर रहा हूँ। और सुनो, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी नाजायज डिमांड की वजह से। क्या मतलब, पागल तो नहीं हो गया? क्या तू अपनी बेटी का खुद मुस्तकबिल खराब करना चाहता है? तू मेरी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में बात ना कर, अल्लाह मालिक है, जो नसीब में होगा मिल जाएगा। ठीक है फिर, भाड़ में जाओ तुम लोग, ऐसे रिश्ता खत्म है मेरी तरफ से। अब्बा, ऐसे कैसे रिश्ता खत्म? मेरा उसके साथ निकाह हुआ है, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। ओए जरीना के बाप ने खुद रिश्ता तोड़ा है, तू अब कर भी क्या लेगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी नाहक डिमांड की वजह से। जरा सोचें, उसकी जगह आप या आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? कुछ तो खुदा का खौफ करें। जा रहा हूँ मैं। ठीक है फिर, मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर जा रहा है ना तो वापसी ना ही, और अपनी जायदाद में से मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत, लगा के रखें सीने से। दफो। कोई बात नहीं अब्बा, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। मुझे आपकी इज्जत से बढ़ के और कुछ भी अजीज नहीं है।
जो मेरी किस्मत में होगा मुझे जरूर मिल जाएगा और अल्लाह बेहतरी करेगा। इंशाल्लाह जरूर, मुझे फख्र है कि तू मेरी बेटी है, बस तूने गम नहीं करना। जरीना को कभी कोई गम नहीं होगा, ये मेरे निकाह में है और हमेशा रहेगी। उस्मान बेटा तुम, मगर तुम्हारे वादे तो राजी नहीं हुए और उनकी रजामंदी के बगैर ये सब कैसे होगा। मैं हक की खातिर अपना घर छोड़ आया हूँ, अब वो माने या ना माने मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो उस्मान मेरे बेटे, कहाँ है तू? जज्बात में आके कोई गलत कदम ना उठाना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, बस तू जल्दी से घर आ जा। अबू मैं घर नहीं आऊंगा, पहले आप सादिक अंकल से माफी मांगे। हाँ हाँ कर लेता हूँ माजरत, बल्कि इसी हफ्ते उसकी रुख्सती लेते हैं और जरीना को तेरी दुल्हन बना के लाऊंगा घर। ठीक है अबा मैं आता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने भाई रशीद को हिदायत दे दी, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। इस वीडियो को सदकाए जारिया समझकर जरूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।